मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर गुड इवनिंग। आप लोगों ने कहां तक कर लिया है वेव में? नम्रा यस सर। सर सोनोमीटर कर लिया है, उस पे क्वेश्चन। सो लास्ट पार्ट आपको बचता है ऑर्गन पाइप। यस सर। ऑर्गन पाइप जैसे फ्लूइड, फ्लूड, शहनाई, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस पे बेस्ड होते हैं वो। ऑर्गन पाइप मेनली आपका दो तरह का होता है, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होती है मैं आपको वो समझाता हूँ। अब देखिए क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में बोलूं कि एयर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है एक फिक्स पोजीशन पे, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एयर पार्टिकल एग्जिस्ट करते होंगे रेस्ट में, अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही था, इस वॉल्यूम को फिल कर रखा होगा एयर पार्टिकल ने। सिमिलरली यहां पे भी अब यहां से आप बोलिए कि एयर या कोई भी पर्टिकुलर वेव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरेट कीजिए, तो उस वेव के जनरेट होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है वो क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे टू एंड फ्रो इस तरह से। बोल सकता हूँ आपने कोई वेव जनरेट की, सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो उस वेव जनरेट होने की वजह से इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. देखिए मैंने इनिशियली क्या लिया है, ऑर्गन पाइप कोई भी ट्यूब ले लीजिए, एक वन एंड से क्लोज है एंड एक दोनों तरफ ओपन एंड है। ये मैंने लिया एयर पार्टिकल जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे अभी रेस्ट में, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मैंने ऐसा कंसीडर किया। अब इस एंड पे आप सपोज कर लीजिए कोई भी वेव प्रोड्यूस कराइए, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, तो उस वेव की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। उस प्रेशर डिफरेंस की बेस पे यहाँ पे जो पार्टिकल है एयर की वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करेगा। हर पार्टिकल ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा, बट ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है इसके पास लेफ्ट साइड में कोई मूवमेंट नहीं, तो इसका ऑसिलेशन लीस्ट होगा एंड बाकी सारे उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, कुछ ज्यादा एम्पलीट्यूड से एंड कुछ कम एम्पलीट्यूड से क्या करते होंगे, ऑसिलेट करने लगते होंगे। ऐसा बोल सकता हूं? Yes. Okay. तब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऑसिलेशन इसके अंदर और एक मैंने वेव जो बाहर से प्रोड्यूस किया है, दो डिफरेंट वेव हुई। अगर वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मैच कर जाती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, तब उस पॉइंट पे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होता है इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर। आई बात समझ? आपने अभी क्या क्या मैंने कहा पहले कि एक क्लोज्ड
वन एंड से क्लोज्ड एक ट्यूब है, उसके अंदर इनिशियली गैसेस पार्टिकल होंगे या एयर के पार्टिकल इस तरह से अरेंज होंगे। अब आप एक बाहर से वेव प्रोड्यूस कीजिए, तो बाहर से एक वेव प्रोड्यूस कीजिएगा तो उस वेव के अकॉर्डिंग ये जो गैसेस पार्टिकल है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, हो सकता हूँ? Yes, sir. उनकी ऑसिलेशन उनके डिस्टेंस के पास कितना है ऑसिलेट करने के बेस पे, हर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक। फिर उसके बाद आप फिर से एक अनदर वेव जनरेट कीजिए एंड उस वेव की फ्रीक्वेंसी अगर इस पार्टिकल के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाती है तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन वाले चैप्टर पर भी, डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए। ये बात समझ में आई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. नोमा आपको समझ आया? Yes, sir. ऋषिक कोई डाउट यहां तक? ओके सो अब यहाँ पे दो डिफरेंट वेव उसके सुपर इम्पोज होने की वजह से एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब वो स्टैंडिंग वेव जनरेट जो होगी वो कैसा बिहेव करती है हमें उसको देखना है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक सिचुएशन होगी कि वेव फंडामेंटल कुछ ऐसे जनरेट होता होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट ऐसे जनरेट होता होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट एक वेव ऐसे जनरेट होती होगी एंड सो ऑन। हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को दो तरह से रीड आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक पढ़ा होगा प्रेशर मेथड, पढ़ा है? जैसे मान लीजिए अगर कोई एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उसके ऊपर आपने एक वेव जनरेट कराई कुछ इस तरह से, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर सरफेस से हिट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक करता है ऑपोजिट इन फेस एंड आल्सो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो कुछ ऐसे जनरेट करता है, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव होता है। दोनों वेव सुपर इम्पोज करने के बेस पे एक पैटर्न जनरेट करता है कुछ इस तरह का, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। ऐसा पढ़ा होगा आपने? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हमने जो शो किया वो डिस्प्लेसमेंट के बेस पे, पार्टिकल डिस्प्लेस कैसे हो रही है उसके हिसाब से। एक दूसरा मेथड होता है उसके जस्ट ऑपोजिट, प्रेशर कैसे उस पॉइंट पे वेरी कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी नोड, एंड ये मेरे पास पॉइंट मिनिमम एम्पलीट्यूड है, इसको बोलते हैं नोड। डिस्प्लेसमेंट मेथड पे जहां पे नोड होता है प्रेशर के टर्म में वो एंटी नोड होता है, और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो एंटी नोड होता है प्रेशर के बेस पे वो नोड होता है। आई बस समझ? यस सर। तो आप कोई एक मेथड याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे को ऑपोजिट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? तो मान लीजिए इस पॉइंट पे फर्स्ट कुछ ऐसा वेव जनरेट करता होगा मिनिमम। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ के टर्म में तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एक कंप्लीट वेव कुछ यहाँ पे फॉर्म्ड होती दिखाई देगी। सो यहां से यहां तक कंप्लीट लेंथ को वन वेवलेंथ बोलते हैं। उसको हाफ कर दीजिए यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, उसको फर्दर हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई फोर। तो मैं अगर पूछूं यहां से यहां तक लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है, तो आप क्या बोलेगा? लैम्डा, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई फोर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक।
नम्रा यस सर इसकी लेंथ कितनी हो सकती है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के बताइए लैम्डा बाय फोर देखिए अगर यहाँ से वन नोड है अगला नोड फॉर्म होता है तो वो लैम्डा बाय टू पे फिर अगला नोड फॉर्म होता है लैम्डा बाय टू पे तो यहाँ पे क्या है एक नोड है एंड देन फिर एंटी नोड है तो नोड एंड एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय फोर तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ लैम्डा बाय फोर है इसमें कितना बन रहा है एक नोड एंड फिर एक नोड तो लैम्डा बाय टू एंड फिर एक एंटी नोड लैम्डा बाय फोर टोटल ऐड कीजिएगा थ्री लैम्डा बाय फोर इसमें काउंट कीजिए लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय फोर तो हो जाएगा फाइव लैम्डा बाय फोर ये बात समझ में आई सर एक और से बता दीजिएगा लैम्डा वाला कौन था देखिए जैसे मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग में समझूं यहाँ पे आपको नोड दिख रहा है यस सर कंप्लीट वेव यहां से यहां तक तो कंप्लीट वेव हो गए तो उसको लैम्डा बोलते हैं टोटल डिस्टेंस को नेक्स्ट नोड मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो एडजेसेंट नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय टू होती है ठीक तो यहां से यहां तक लैम्डा बाय टू बट यहाँ पे क्या है फर्स्ट कंडीशन में एक नोड है एंड देन फिर एंटी नोड है मैक्सिम पॉइंट तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाय फोर बोल सकते हैं yes, sir. नेक्स्ट डायग्राम में एक नोड यहाँ पे नेक्स्ट नोड यहाँ पे सो नोड एंड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय टू प्लस यहां से यहां तक वन एंटी नोड लैम्डा बाय फोर सो लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर थ्री लैम्डा बाय फोर समझ आया यस सर यस सर फिर थर्ड डायग्राम में देखिए एक नोड दो नोड तीन नोड एडजेसेंट नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय टू एडजेसेंट नोड लैम्डा बाय टू एंड देन लैम्डा बाय फोर ये टोटल टर्म फाइव लैम्डा बाय फोर ये समझ आया Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसा बन रहा है वन लैम्डा बाई फोर थ्री लैम्डा बाई फोर फाइव लैम्डा बाई फोर मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई फोर के मल्टीपल में जा रहे हैं yes, sir. ठीक ओके तो ये तो हो गए क्लोज एंड के बेस पे मैं आपको आगे और समझाता हूँ उसमें और क्या हो सकता है सेम उसी तरह अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप में लूं तो यहाँ पे दोनों तरफ ओपन है ठीक तब क्या होगा जो साइड वाले पार्टिकल होंगे वो सबसे ज्यादा ऑसिलेट करते होंगे जो मिडिल वन होगा उसमें लीस्ट ऑसिलेशन होगी तब उस पॉइंट पे नोड का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों एंड पॉइंट पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है ये बात इतनी बात समझ में आई यस सर यस सर ऋषिक कुछ समझ आ रहा है आपको देवांश ओके तो उस कंडीशन में अगर मैं वेव का स्ट्रक्चर देखूं तो देखिए कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा फर्स्ट कंडीशन में एक नोड यहां पे बन गया एंटी नोड इधर की तरफ एंड एंटी नोड इधर की तरफ सबसे सिंपलेस्ट कुछ ऐसा वेव प्रोड्यूस हो सकता है सेकंड कंडीशन में कुछ ऐसी वेव प्रोड्यूस हो सकती है थर्ड कंडीशन में कुछ ऐसी वेव प्रोड्यूस हो सकती है And so on. तो अगर मुझे इसको काउंट करना है वेवलेंथ के टर्म में तो देखिए काउंट करिएगा तो कैसे होगा फर्स्ट अगर काउंट कीजिए एक एंटी नोड यहां पे एक एंटी नोड यहां पे दो एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू तब आप इसको बोल सकते हैं लैम्डा बाई टू नेक्स्ट डायग्राम में एक एंटी नोड यहां पे एक एंटी नोड यहां पे सो लैम्डा बाई टू फिर एक एंटी नोड यहाँ पे लैम्डा बाई टू तो टोटल हो जाएगा टू लैम्डा बाई टू थर्ड सिचुएशन में काउंट कीजिए
ये मेरे पास टू तो लैम्डा ही हो जाएगा ना सर। हाँ मतलब मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं उसको बता दूंगा उस तरह कैसे हो सकता है। एंटी नोड नोड, फिर यहाँ पे एंटी नोड, फिर यहाँ पे एंटी नोड, थर्ड कंडीशन में देखिए यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड एंड यहाँ पे एंटी नोड, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? काउंट कीजिए, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू, सो इट इज जस्ट थ्री लैम्डा बाई टू। आई बात समझ? फिर से बताइए। हमें सिंपली क्या करना है, नोड एंड एंटी नोड उसके बेस पे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। इस डायग्राम को याद रखिए, दो एडजेसेंट नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू होती है एंड दो एडजेसेंट एंटी नोड के बीच की दूरी भी लैम्डा बाई टू होती है। नोड एंड एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई फोर होती है। तो यहां से एक एंटी नोड है यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, अगला एंटी नोड यहाँ पे है, दो एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई टू। बोल सकते हैं? यस सर। इस कंडीशन में एक एंटी नोड, दोनों के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू, फिर एक एंटी नोड लैम्डा बाई टू, तो टोटल कितना हो गया? टू लैम्डा बाई टू। यस सर। थर्ड कंडीशन में एक लैम्डा बाई टू यहां से यहां तक, एक लैम्डा बाई टू यहां से यहां तक एंड एक लैम्डा बाई टू यहां से यहां तक, तो टोटल कितनी हो गई? थ्री लैम्डा बाई टू। बोल सकते हैं? नंबर आपको समझ आया इतना? यस सर। याशिका कट आउट? नो सर। ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसका आपको जनरलाइज वर्ड मतलब वो सारी चीजें बताता हूँ, फिर कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। सर मैं ऑडिबल? हाँ ऋषिक बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था सर ये इसी की तरह है ना, सोनोमीटर की तरह वैल्यूज आ रहा है इसमें। हाँ जैसे आपने, हाँ जैसे आपने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा होगा ना, मतलब सोनोमीटर में स्टैंडिंग भी वो स्ट्रिंग, तो उसके लिए ऑर्गन पाइप ओपन जैसा बिहेव कर रहा है वैसी तरह सेम वहां पे भी आया होगा। यस। वन लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन। यस। सबने यहां तक लिख लिया? देवांश, उनीब, उनीब कोई डाउट यहां तक? नम्र आपने लिख लिया? नो सर।
सबने लिख लिया यहाँ पे? नोमा डन? यस सर। ओके, अब देखिए इसमें एक टर्म और आता है, कभी कभी आपको अगर टफ क्वेश्चन पूछेंगे इससे तो एक टर्म कैलकुलेट करने के लिए कहता है एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे अगर आपने ओपन ऑर्गन पाइप लिया एंड इसमें सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की एक वेव प्रोड्यूस हुई, तब इस वेव में जो एक्चुअल लेंथ जहां पे वो सुपर इम्पोज करती है या रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है, तो वेव की जो लेंथ होती है एंड इस एक्चुअल ट्यूब की जो लेंथ होती है स्लाइटली डिफर करती है। सपोज कर लीजिए ट्यूब की आपने कुछ लेंथ यहां से यहां तक कितनी एल, बट वेव का जो सुपर इम्पोजिशन होता है वो इस पर्टिकुलर लेंथ तक नहीं होता, वो स्लाइटली इससे थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा लेता है इधर की तरफ एंड थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा लेता है इधर की तरफ। इस एक्स्ट्रा लेंथ को हम क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। ये बात समझ में आई? नम्रा, ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, सो अब मुझे टोटल लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस टू टाइम्स ऑफ ई। और इस कंडीशन में ये मेरे पास वेवलेंथ जो थी 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, तो इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ एन टाइप्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इस वेव प्रोड्यूस होती होगी इस ऑर्गन पाइप में, बोल सकता हूँ? यस सर। तो अगर मैं यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करूं, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2e डिवाइड बाय एन। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एन बाय 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2e मल्टीप्लाइड बाय वी। ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन आता है किसके लिए? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होने के लिए उन वेव की जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ऋषिक, समझ आया आपको यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? अब मैं यहां पे पुट करना चाहूं एन की वैल्यू 1, सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो f की वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से। उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल, या उसी चीज को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक। n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो मेरे पास होता है f2, तो इसको आप बोल सकते हैं सेकेंड हार्मोनिक, ठीक। इसी सेकेंड हार्मोनिक को हम एक और टर्म बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एन की वैल्यू 3, तो मेरे पास F3, तो हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो हमने ये कैलकुलेट किया किसके लिए? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए एंड ये सारी चीजें। इसमें जो एंड करेक्शन होती है उसकी वैल्यू मान लीजिए इस पर्टिकुलर ट्यूब, इसका अपना कुछ रेडियस कितना आर, तब इसका एंड करेक्शन होता है 0.6 टाइम्स आर। रेडियस की वैल्यू गिवन होगी तो इसके बेस पे आप एंड करेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एंड करेक्शन की वैल्यू 0 होती है, कभी कभी क्वेश्चन आपको एंड करेक्शन पे बेस्ड हो सकता है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट इज अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में देखूं
जहां पे एंड आपका क्लोज दिखाई दे रहा है वहां पे नोड का फॉर्मेशन होता होगा, एंड देन दूसरी साइड एंटी नोड, तो कुछ ऐसे। ये मेरे पास एक्चुअल लेंथ यहां से यहां तक एल, बट ये जो वेव सुपर इम्पोज होती है उसकी लेंथ इसके ट्यूब के लेंथ से स्लाइटली ज्यादा होती है, तब इस एक्स्ट्रा लेंथ को हम एंड करेक्शन बोलते हैं। तब इस कंडीशन में अगर कैलकुलेट करूं, सो एल प्लस ई इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई फोर। तो यहां से अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहूं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एल प्लस ई डिवाइड बाई टू एन माइनस वन। इस रिलेशन को पुट कर दीजिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ वेव जो प्रोड्यूस होगी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो ये टर्म आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 टाइम्स वेलोसिटी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस ई। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। नोमा, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कीजिएगा तब 2n प्लस 1 लेंगे, अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो 2n माइनस 1 लेंगे। आई बस समझ? Okay, तो मैं हम यहाँ पे ये तो नहीं बोलेंगे ना जीरोथ वेव स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट वेव और फंडामेंटल, इसीलिए n की वैल्यू 1, इसलिए 2n माइनस 1 गया। ओके, तो मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसको फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2n माइनस 1 That is 3, तो F3 second wave होती है, ठीक है? तो इसको हम second harmonic बोलते हैं। मेरे पास ये जो पूरा term आता है वो first के just triple होगा, ठीक है? तो F2 की value, ठीक? इस condition में आपको ये जो पूरा सॉल्व कीजिएगा 2n माइनस 1 तो ये जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, बट इस कंडीशन में जो फर्स्ट टर्म आया एंड जो सेकंड टर्म आया दोनों एक दूसरे के क्या होता है जस्ट डबल, तो ये लीनियरली चेंज करता है। तब मेरे पास एक रिलेशन आता है, कोई भी nth फ्रीक्वेंसी n टाइम्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल होता है, बट इस कंडीशन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हर दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होता है, क्योंकि इसमें जो चीजें चेंज हो रही है कैसे चेंज हो रही है 1, 3, 5, 7, 9 ऑड मल्टीपल में। नम्रा, ये समझ आया आपको? यस सर। ओके, अब इसके बेस्ड पे कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती हैं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं।
लिख लिया। यशिका कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके आप लोगों ने लिख लिया यहां तक? अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला सबसे आसान से क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। नम्रा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ? ट्राई करो। ओके ऋषिक कुछ समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? ट्राई कर रहा हूं। ओके दोनों का आप फॉर्मूला देखिए, फंडामेंटल का मतलब n की वैल्यू 1 एंड दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। जैसे मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला था एफ एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स वी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एल, मैंने एंड करेक्शन अभी नहीं दिया ठीक उस कंडीशन में, जब पुट कर दीजिए एंड करेक्शन की वैल्यू 0 है। क्लोज्ड के लिए ये मेरे पास ओपन के लिए, ये क्लोज्ड के लिए, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-1 टाइम्स वेलोसिटी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए एंड दोनों को डिवाइड कर दीजिए। गुड देवांश। गुड ऋषिक। नम्रा हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड देन उसके बेस पे जो टर्म आएगा उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे इस टर्म में अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आपको आ जाएगी v बाय 2 टाइम्स ऑफ l,
इस टर्म में कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा v by 4 times of l, दोनों का डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। नम्रा समझ आया आपको? यस सर। नोमा आंसर आ गया आपका इतना? यस सर। ओके सो इस कंडीशन में याद रखिएगा ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर लेंथ सेम होती है तो 2:1 रेशियो आता है। ठीक, नेक्स्ट टर्म मेरे पास ये है, इसमें कहता है कि कोई एक ट्यूब ले लीजिए, ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है। अब इसका बोला कि इसका 1/4 लेंथ वाटर में डिप कर दिया गया तो क्या होगा, दिखाता हूं। उत्तर पाइप क्लोज हो जाएगा। गुड, कुछ ऐसा बिहेव करेगा। तो ओपन कितना पार्ट है जो ऊपर से दिखाई देगा आपको, 3/4 टाइम्स ऑफ लेंथ। एंड अब ये कैसा बिहेव करेगा, क्या दोनों साइड ओपन है कि एक साइड सिर्फ ओपन है? सर एक साइड। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएगा। यस सर। सो इस कंडीशन में आपकी वेव कुछ ऐसे नजर आएगी, एक ओपन ऑर्गन पाइप की तरह, बट इस कंडीशन में आपकी वेव कुछ ऐसे नजर आएगी, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एन वी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एल। इस कंडीशन में आप मान लीजिए एफ डैश इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, और इस लेंथ की वैल्यू कितनी है, 3L/4 फंडामेंटल। सो 4 कट गया, कितना आ गया, वी बाय 3 टाइम्स ऑफ एल। दोनों टर्म को आप डिवाइड कर लीजिए, एफ डैश बाय एफ इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाय 3L होल डिवाइड बाय v डिवाइड बाय 2L। LL कैंसिल आउट, VV कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, मतलब f डैश इज 2/3 ऑफ प्रीवियस वन। ऋषिक समझ आया आपको? यस सर। याशिका कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया सबने यहां तक? सर एक मिनट लिख रहे। ओके सबने लिख लिया यहां तक? नो सर।
Yes, sir. Okay. Equation so based or tuning fork of frequency Hz produces standing wave and resonating with open organ pipe dipped in water. If a resonating length is obtained at 9.75 centimeter, 31.25 centimeter, and 51.75 centimeter, then find velocity of wave. देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है एंड देन उसके बेस पे कैलकुलेट कैसे कीजिएगा मैं आपको वो समझाता हूँ. इसने कहा कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है इस तरह, लेकिन उसकी जो दूसरी एंड है वो लिक्विड में डिप्ड है. तब अलग अलग लेंथ ऑफ लिक्विड में डिप्ड अलग अलग रेजोनेटिंग लेंथ को डिफाइन कर रहा है या फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है. तब उसके बेस पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है एंड देन उसके बेस पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. देखिए सपोज कर लीजिए एक सिचुएशन ये हो सकती है फर्स्ट सिचुएशन में. सपोज कर लीजिए इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिप्ड है तो जो वेव प्रोड्यूस्ड हुई इसके अंदर वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी ऐसे बोल सकते हैं. नोमा ऐसे बोल सकते हैं. यस सर. अगर मान लीजिए लिक्विड को स्लाइटली डाउनवर्ड कर दीजिए तब जो मेरे पास वेव जनरेट हुई इसके अंदर सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह. तो अगली वेव कुछ ऐसे जनरेट हुई होगी एंड सो ऑन. तो फर्स्ट पार्ट में यहां से यहां तक रेजोनेटिंग लेंथ आपको दे रखा है 9.75 सेंटीमीटर. सेकेंड केस में आपको रेजोनेटिंग लेंथ यहां से यहां तक वो आपको दे रखा है 31.25 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 52.75 सेंटीमीटर. नम्रा यहां तक कोई डाउट? नो सर. अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा. फर्स्ट पार्ट में यहां से यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं एंड करेक्शन और यहां से यहां तक लेंथ ये वेवलेंथ के किस पोर्शन को डिफाइन करेगा लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई टू किस पोर्शन को. देखिए फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल इस पार्ट को तो इसको लैम्डा बाई फोर बोलते हैं यहां से आप लिख सकते हैं. तो मैं इसको इक्वेट करके इस पार्ट के बेस पे लिख सकता हूं एल प्लस ई इज इक्वल्स टू यहां पे लैम्डा बाई फोर दिख रहा है. सेकेंड कंडीशन में जो लेंथ है वो आपको दिख रहा है 3λ/4 एंड सो ऑन. तो आपको एल वन की वैल्यू पता है एल टू की वैल्यू पता है. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ई और ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला तो पता था ना वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क दे रखा है तो
तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एंड इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेट करती है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। वेवलेंथ आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, पुट कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट हो जाएगा। नोमा समझ आया आपको ये? यस सर। ओके, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, देखिए इतना आता है आंसर। सर बोलिए। सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये है कि कोई एक ट्यूनिंग फोक है जो यहाँ पे वाइब्रेट कराया जा रहा है एंड उसके बेस पे एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की जा रही है इस ट्यूब में। इस ट्यूब में लिक्विड का जो लेवल है उस लेवल को शिफ्ट किया करके हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव यहाँ पे। आई बस समझ। तो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड होती है हमें वो 9.75 सेंटीमीटर पे ऑब्टेन होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विड कॉलम को थोड़ा सा डाउनलोड करते हैं, तो अगली वेव मुझे प्रोड्यूस हो रही है स्टैंडिंग वो इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद और डाउनलोड करते हैं तो इस लेंथ पे ऊपर अगली वेव प्रोड्यूस हो रही है एंड सो ऑन। तब इसके बिहाफ पे हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी इस सिचुएशन में, वो बताइए। एग्जैक्टली गिवन है कि फर्स्ट हार्मोनिक कितने उस पे होगा, सेकंड कितने पे होगा? हाँ वो लिखा है ना, रेजोनेटिंग विद ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक इतने लेंथ पे, सेकंड हार्मोनिक कितने लेंथ पे, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ओके सर। सर जो L1 और L2 है मतलब वो 9.75 वाली? हाँ, L1 की वैल्यू फर्स्ट लेंथ 9.75, L2 की वैल्यू सेकंड हार्मोनिक लेंथ 31.25। ओके फिर हम ठीक है, फिर आप दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आपको ई कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी एंड उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नम्रा वे वैल्यूज आपको सेंटीमीटर में थी, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर सही है। आपने जो आंसर कैलकुलेट किया था वो सेंटीमीटर पर सेकंड में था, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा। ओके ऋषिक सॉल्व हुआ आपसे? नहीं सर। आपने L1 पुट किया कितना, 9.75 प्लस E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। L2 की वैल्यू पुट किया 31.25 प्लस E इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 31.25 माइनस 9.75 दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना,
550 हो जाएगा 12 - 7 5 पॉइंट ये हो जाएगा 30 - 9 21 इज इक्वल टू 3 - 1 2 लैम्डा बाय 22 आएगा ना 22 आएगा नहीं 21 आएगा सो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू दिस तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 43 सेंटीमीटर आया समझ ऋषिक यहां तक बात समझ में आई यस सर अब आपके पास वेवलेंथ दे रखा है 43 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 800 हर्ट्ज सो 0 एंड 0 को कैंसिल आउट 8 × 3 and 8 × 4 32 + 2 = 34 मीटर पर सेकंड आसान था ना यस नोमा कोई डाउट नो सर ओके इसी तरह आपको अलग अलग टर्म पूछ सकता है एंड कुछ कैलकुलेशन आपको बीट्स फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी रिलेट करने के लिए बोलेगा दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ठीक या इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डॉपलर इफेक्ट के बेस पे भी रिलेशन पूछ सकता है ठीक है आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है नहीं सर वो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है ठीक है और अगले साल फिर से आपको दोबारा डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है तो मे बी आप नेक्स्ट ईयर पढ़िएगा उन सारी चीजों को ठीक है तो आपका पूरा जो ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप सिर्फ इतना ही तक था खत्म हो गया ठीक है तो आप लोग का सिलेबस शायद खत्म हो गया ठीक आज क्लास के लिए इतना ही इतना पढ़िए फिर उसके बाद सर कंटिन्यू करेंगे ठीक है